एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था कहीं, तो तीन चार लड़के खड़े थे, तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि ये वही लड़का जिसने लड़की छेड़ी थी। वो ये नहीं बोलते कि लड़की ने फेक केस किया था। दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि वह एक लड़की के खिलाफ FIR कैसे कर सकते हैं। लड़की है तो विक्टिम होगी, ये बिल्कुल गलत है। हमें इतने लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हें दहेज पड़ताड़ना के झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। मुझे जो परेशानियां उठानी पड़ी या मेरे घर वालों को जो भी सहन करना पड़ा, उसके लिए अब मैं किसे जिम्मेवार मानूं। सवाल ये कि महिला सताए तो पुरुष को कौन बचाए? फेक केसेस, फॉल्स एक्यूजेशंस, जेंडर बेस्ड हरासमेंट। आरोप लगाने वाली महिला ने अदालत में ये माना है कि उसने जानबूझकर इस व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा रेप केस दर्ज कराया। कानून का दुरुपयोग कर पति के परिवार के लोगों को जेल पहुंचाया। महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल पुरुषों के लिए मुश्किल। किसी को आरोपी या दोषी मानने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार क्या नहीं करना चाहिए। देयर इज अ नीड ऑफ अमेंडमेंट इन सेक्शन 498A। एक ऐसा समाज, एक आदर्श समाज जिसमें स्त्री पुरुष समानता हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो फिर केवल पुरुष ही क्यों निशाने पर बनाया जाए और पुरुष ही क्यों हर बार सवालों के घेरे में हो? फिल्मी जगत और आम जिंदगी में कुछ औरतें पुरुषों के ऊपर गलत और झूठे इल्जाम लगा रही हैं, उनके लिए बनाए गए कानूनों का गैर इस्तेमाल कर रही हैं, बदला ले रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं और नाजायज तरीके से पैसे निकालने का षड्यंत्र रच रही हैं। Cases that are fake are sufficient to have horrifying consequences. एक मीडिया पर्सन होने के बाद भी मुझे मीडिया ट्रायल से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट आने के पहले ही पुरुष महिला वाले केस में पुरुष को पहले ही अपराधी घोषित कर दिया जाता है। Should we not bring a law to protect the identity of those male members of the society whose names are reflected into any such sexual offences, and until that period, till the time they are pronounced guilty? Every man is vulnerable if the law can be misused to make you suffer. You could just be picked up on a fake case and your whole family will have to go through the massive, massive ordeal. And that has to stop here. मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि पुरुष आयोग का गठन हो। जब महिलाओं के लिए महिला आयोग है, तो पुरुषों के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या पुरुष अधिकार यहीं पर नहीं रहते? As an egalitarian society, let us all, men and women together, strive towards building equality between genders. भारत जब पुरुष पीड़ा में होता है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं, खासकर तब जब वो एक महिला द्वारा सताया जा रहा है। अपनी बीवी से, अपने ससुरालियों से,
प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहा हूँ।